आप देख रहे हैं इन24 टीवी खबर पल पल की। जिले में हैं, अभी हम भदोही जिले में हाईवे से जा रहे थे, रोड से जा रहे थे, तो हमारी मुलाकात एक महाविद्यालय है, बड़ा अपने आप में नाम रखता है, काशी नरेश पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भदोही। तो वहाँ पर एक अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी से मेरी मुलाकात हो गई। ज़रा छात्रों के रुझान, छात्रों की सच्चाई और छात्रों की राजनीति के विषय में हम पांडे जी से जानना चाहेंगे और कुछ सच्चाई को अपने हिंदुस्तान के दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। तो सर, आपका हमारे चैनल में धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामना है। सर, छात्र राजनीति में आके आपको कैसा लग रहा है? सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा, कौन सा क्लास है KNPG में, ये भी आप बताइएगा। धन्यवाद सुजी जी। बस मैं छात्र संघ पद का प्रत्याशी विशेष पांडे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। मैं इस बार KNPG कॉलेज अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। मेरा इस बार महाविद्यालय में मैं प्रथम वर्ष हिंदी से है और इस बार मेरा जो ये चुनाव है जिसको लेके पिछले 4 वर्षों से यहाँ पे महाविद्यालय चुनाव हुआ नहीं है, इस बार हम लोग पूरे तरीके से प्रयास किया गया, छात्र संघ बहाली किया गया और 4 सालों से अपने महाविद्यालय में जो कि छात्र संघ चुनाव हुआ नहीं, जिसकी वजह से महाविद्यालय में बहुत सारी समस्याएं आई। तो वहाँ पे आप जाएंगे, अभी महाविद्यालय आप सर्वे कर रहे हैं इधर पे मार्केट में, अगर आप महाविद्यालय में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी सुविधाएं जो कि छात्रों से वंचित है। सर मैं जानना चाहूँगा कि आप छात्र राजनीति में क्यों आए, व्हाट इज़ द रीज़न, क्या कारण है सर? छात्र राजनीति में आने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि हमको आगे चल के राजनीति करनी है, अपने भारत सरकार के लिए बहुत कुछ करना है और राजनीति में आने के लिए ये अपना जो छात्र राजनीति है ये पहला सीढ़ी है। इसलिए हम इसको सोचें कि अगर आगे राजनीति करना है, अपने युवाओं के लिए कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो सर्वप्रथम छात्र संघ का सहारा और छात्र संघ सर्वप्रथम जरूरी है। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, हिंदुस्तान में 2-3 संगठन है छात्रों का, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जो कि भाजपा से जुड़ा है, राष्ट्रीय छात्र संगठन कांग्रेस से जुड़ा है, समाजवादी छात्र सभा सपा से जुड़ी है, कोई ऐसा संगठन या हम यह कह सकते हैं कि क्या आपकी संगठन प्योर छात्रों पर जो है काम करती है सर, और करती है तो क्या करती है? हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो अपने इस देश ही नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन है, जो कि बस अपने यही KNPG कॉलेज में ही नहीं, अपने हर एक महाविद्यालय, हर एक विद्यालय और हर एक छोटे स्कूल, हर एक बड़े पैमाने स्कूल पे, महाविद्यालय में जो भी समस्याएं होती हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वहाँ पहुँचती है, छात्रों का समस्या सुनती है। यही नहीं कि बस अपने भदोही जनपद में, भारत के हर एक जनपद में, हर एक जिले में, हर एक छोटे बड़े शहरों में विद्यार्थी परिषद वहाँ पहुँचता है और छात्राओं की हर एक छोटी से छोटी आवाज़ उठाता है जो कि सरकार के पास पहुँचे और छात्राओं को कोई असुविधा न हो, इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी। सर, चुनाव जीते तो मुद्दा क्या होगा सर, आप बताइए, मुद्दा बताइए। देखिए, चुनाव का मुद्दा यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं, महाविद्यालय में समस्याएं ये हैं कि छात्रों का बहुत हनन हुआ किया जा रहा है और महाविद्यालय का जो आपको देखेंगे तो सुंदरीकरण वो इस तरीके से, मतलब कि कोई बात नहीं सर, बड़ा अच्छा लगा सर। 2022 करीब है, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं, यह संगठन भाजपा से जुड़ी है, क्या लगता है भाजपा की पुनः सरकार आएगी? बड़ा लोगों का दोहन भी हुआ है, महंगाई है, बेरोजगारी बढ़ी है सर, क्या कहना है आपका इसमें? देखिए, मेरा संदर्भ यही है, हमारे संगठन से जुड़ी हुई भाजपा पार्टी है और इस बार जो कि अगले बार पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी उससे बढ़ के भी इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि बाबा योगी महाराज जी ने जो भी अपने मुद्दे रखे थे विधानसभा को जीतने के लिए, उन्हें हर एक कार्य किया, हर एक मुद्दों पर खड़े उतरे, जैसे उनका हो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या गुंडागर्दी खत्म करने का मुद्दा, उनका जो भी मुद्दा था हर मुद्दे पर उन्हें खड़ा उतरा है। एक संदेश दीजिए छात्र नेता के तौर पर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। हम सबको यही कहना चाहेंगे कि अगर अपने इस उत्तर प्रदेश को एक अच्छी नई दिशा में ले जाना है तो भारतीय जनता पार्टी को चुने, आदित्यनाथ योगी महाराज को चुने, उनके चुनने से अपने इस उत्तर प्रदेश का पुनः एक तरीके से फिर निर्माण किया जाएगा। अगर आप लोग किसी और जनता को चुन और पार्टी को चुनते हैं तो अपने जो उत्तर प्रदेश में कार्य जिस तरीके से जिस गतिविधि से चल रही है, अगर कोई और सरकार आती है तो उसमें आके हस्तक्षेप करेगी। सर्वप्रथम अगर कोई और सरकार बनती है तो आपने देखा होगा कि जैसे अखिलेश जी का बयान आया था बीच में कि अगर कोई और सरकार बनती है या कुछ होता है तो राम मंदिर का काम रोका जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार सरकार बनाती है तो जिस तरीके से कार्य चल रहा है वो और तेजी से चलेगा। हमारे केंद्र में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की अगुवाई में योगी जी हर एक कार्य कर रहे हैं जो गरीबों के लिए सही है और अपने युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। धन्यवाद। गरीबों के लिए सही है, युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। पांडे जी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने जो किया किसी ने नहीं किया। इनका यह भी कहना है कि 2022 में जो भाजपा की सीट होगी
उससे ज़्यादा होगी। रही बात हमारी, तो मैं छात्र राजनीति में इसलिए आया हूँ कि छात्रों का हित करना और महाविद्यालय को और विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाना और छात्रों को आगे बढ़ाना मेरे जिंदगी का उद्देश्य है। रही बात, मैं एक राजनीति करने का मेरा जो उद्देश्य है वह समाज और राष्ट्र का सेवा है। धन्यवाद। हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजीत कुमार मिश्रा, धन्यवाद। थैंक।